अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आज हम कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 4.1 व्हिच इज़ एट पेज नंबर 124। अच्छा, इसका आज क्वेश्चन नंबर वन जो है, क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक, इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एनर टर्म। ओके, एनर टर्म इन्होंने दी हुई है हमारे पास ऑफ द सीक्वेंस, दिस इज़ गिवन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर वन है, दिस इज़ गिवन। फाइंड आउट क्या करना है आप बच्चों ने, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है, देन टेंथ टर्म ए 10 एंड 15 टर्म ए 15। ठीक है, पहले मैं आपको फर्स्ट फोर टर्म्स फाइंड आउट करना सिखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ टेंथ टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ए 10 एंड 15 टर्म को हम कैसे शो करते हैं ए 15। ठीक है, ये बात की बात है। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन में जो एनर टर्म दी हुई है, ठीक है, एनर टर्म को ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्होंने एनर टर्म दी हुई है। अब हमने फाइंड आउट करनी है फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द गिवन एनर टर्म। तो हम यहाँ क्या करेंगे, वन बाय वन हम यहाँ पुट करते हैं, पुटिंग एन इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। ठीक है, फोर तक हमने करना है क्योंकि फर्स्ट फोर टर्म्स पुट करनी है। अब हम व्हेन व्हेन एन इज़ इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे आप इस सीक्वेंस में, तो ये देखें ए 1 आ जाएगा, 3 × 1 + 1। मैंने क्या किया, ये जो गिवन सीक्वेंस थी मेरे पास, ये जो जर्नल टर्म थी, यहाँ पर एन की जगह 1 पुट की है। सो ए 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 + 1 = 4। ठीक है, ये मेरे पास इसकी फर्स्ट टर्म आ गई है। ओके, फिर मैं यहीं पर पुट करती हूँ, क्या पुट करना है मैंने यहाँ पर, एन इज़ इक्वल टू 2, एन इज़ इक्वल टू 2 पुट कर लेती हूँ इसी एनर टर्म में, तो ए 2 बन जाएगी मेरे पास 3 × 2 + 1। सो ए 2 इज़ इक्वल टू 3 × 2 = 6 + 1 = 7। ठीक है, मेरे पास सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी, 7। उसके बाद हमने क्या करना है, यहीं पर मैं ले लेती हूँ एन इज़ इक्वल्स टू 3। ठीक है, एन इज़ इक्वल्स टू 3 मैं एनर टर्म में ही पुट कर रही हूँ, ये जो मेरी एनर टर्म है मैं यहीं पर पुट कर रही हूँ, ए 3 इज़ इक्वल्स टू 3 × 3 + 1। सो ए 3 इज़ इक्वल्स टू 3 × 3 = 9, 9 + 1 = 10। मेरे पास एनर टर्म क्या बन जाएगी, सॉरी थर्ड टर्म क्या बन जाएगी, 10। अब मैं इसी सीक्वेंस में पुट कर देती हूँ n = 4। तो ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगी, n = 3 × 4 + 1। तो यहाँ पर आ जाता है 3 × 4 = 12 + 1। तो a 4 मेरे पास क्या आ जाएगी, 13। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास आ जाएंगी। अब आप गौर से देखें, मेरे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस इन्होंने दी हुई है, ये गिवन सीक्वेंस की मेरे पास जो टर्म्स आ रही हैं, फर्स्ट फोर टर्म्स आ रही हैं, वो क्या टर्म्स आ रही हैं, 4, 7, 10 and 13। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, देयरफॉर फर्स्ट फोर, या फिर हम ऐसा करते हैं जैसे उन्होंने, हाँ ठीक है, फोर ही लिखा हुआ है न्यूमेरिकल में, फोर टर्म्स ऑफ गिवन सीक्वेंस कौन कौन सी हमारे पास आर, आप उनको बता भी दें, 4, 7, 10, 13। ये फर्स्ट फोर टर्म्स हैं। अभी तक हमने इसका जो है ये फर्स्ट पार्ट हमने डन कर लिया, फाइंड फर्स्ट फोर टर्म्स। अब कम टू इट्स सेकेंड पार्ट, सेकेंड में कहता है टेंथ टर्म ए 10। अब देखिए टर्म्स को कैसे डिनोट किया जाता है, टर्म्स को डिनोट किया है, आपने देखा है यहाँ पर ए 1 आ रहा है फर्स्ट टर्म, ए 2 सेकेंड टर्म, ए 3 थर्ड टर्म और ए 4 हमारे पास 4 टर्म। अब यहीं पर हमें इन्होंने कहा है ए 10 निकालें, तो ए 10 का क्या मतलब होगा कि आपके पास ये जो गिवन सीक्वेंस आ रही है, ये जो इन्होंने दी हुई है, इसमें आप n की जगह 10 पुट कर लेंगे तो 10 टर्म आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसी टर्म में, ये जो इन्होंने दी हुई है एनर टर्म, इसी में आप 15 पुट करेंगे, ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए, तो आपके पास थर्ड पार्ट हो जाएगा।
तो वही मैं करने लगी हूँ। गिवन टर्म जो है मेरे पास, जो जर्नल टर्म थी, तो इसमें मैं लिख देती हूँ, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ये डन हो गया। मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ये हमारा फर्स्ट पार्ट डन, ठीक है। कम टू इट्स सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड पार्ट में कह रहा है एनी टर्म। अब एनी टर्म हमें क्या दी हुई थी इन्होंने, एनी टर्म हमें यही दी हुई थी, मैं दोबारा से एनी टर्म लिख लेती हूँ आप स्टूडेंट्स के लिए। एनी टर्म थी ए एन इज़ इक्वल्स टू 3n+1। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं यहाँ पर पुटिंग एन इज़ इक्वल्स टू 10, क्योंकि हमें क्या रिक्वायर्ड था, हमें रिक्वायर्ड था 10 टर्म, तो 10 टर्म के लिए इस सीक्वेंस में n10 पुट करें। a10 इज़ इक्वल्स टू 3 × 10+1, तो a10 हमारे पास आ जाती है 30+1, और a10 हमारे पास आ जाती है 31, ठीक है। ये हमारा जो सेकेंड रिक्वायर्ड था मैंने वो कर लिया। अब उसके बाद इसका जो थर्ड रिक्वायर्ड है, थर्ड रिक्वायर्ड पे मैं आ जाती हूँ। थर्ड रिक्वायर्ड में उन्होंने क्या कहा हुआ है आप गौर से देखें, 15 टर्म, a5 15 टर्म पुट करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यही जो एनी टर्म है इसमें मैं पुट कर लेती हूँ, पुटिंग रेस कर देती हूँ मैं, पुटिंग एन इज़ इक्वल्स टू 15। तो स्टूडेंट्स ये देखें, a15 इज़ इक्वल्स टू 3 × 15+1, सो a15 इज़ इक्वल्स टू 15, 3 टाइम्स क्या हो जाता है 45+1, सो a15 क्या आ जाएगा मेरे पास 46, ये आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है डन हो गया। हमने इसकी 4 टर्म्स भी निकाल दी, फाइन। हमने क्या किया है यहाँ पर ही देखें, 4 टर्म्स भी हमने फाइंड आउट कर ली हैं, हमने इसकी 10 टर्म भी फाइंड आउट कर ली है, और हमने इसकी 15 टर्म भी फाइंड आउट कर ली है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। अब कम टू इट्स सेकेंड पार्ट, ठीक है। सेकेंड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड में भी यही है, एनी टर्म डिफरेंट मिलेगी आपको, ठीक है। ए एन, सेकेंड में ए एन क्या है मेरे पास, 3n-1, ठीक है। ये भी सेम, आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, फिर 10 टर्म फाइंड आउट करनी है, और यानी इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। हर 10 पार्ट्स में पहले 4 टर्म्स निकालनी है, फिर 10 टर्म निकालनी है, और फिर 15 टर्म निकालनी है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसका जो है मेरे पास एन, उसी तरह से मैं पुट करती जाऊंगी, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बहुत डिटेल में कर दिया है, तो आप बच्चे ये देख सकते हैं। अब इसको डायरेक्ट करते हैं, मैं वही काम करने लगी हूँ, पुटिंग एन इज़ इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। एन मैंने 1, 2, 3, 4 ले लिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4n = 1, a1 क्या बन जाएगी 3 × 1-1, a1 बच जाती है 3-1, a1 आ जाएगी मेरे पास 2, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ, 4n = 2, n = 2 पुट कर लेते हैं हम, तो यही जो एनी टर्म है a2 क्या आ जाएगी मेरे पास 3 × 2-1, a2 = 6-1, 5, ठीक है। फिर इसी तरह से मैं इसी सीक्वेंस में पुट कर देती हूँ, 4n = 3, तो a3 क्या बन जाएगी 3 × 3-1, सो a3 = 9-1, a3 बन जाएगी मेरे पास 8, और यहीं पर मैं पुट कर देती हूँ 4n = 4, और ये बन जाएगी a4 = 3 × 4-1 एंड 12-1, तो ये 11 बन जाएगी, ठीक है। 3 × 4 = 12-1, तो ये मैंने फाइंड आउट कर ली है। आप अच्छे देख सकते हैं कि मैंने इसकी 1, 2, 3 एंड 4 टर्म फाइंड आउट कर ले ली है। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने a10 निकालनी है। तो आप स्टूडेंट्स को पता होगा a10 कैसे निकालते हैं। a10 के लिए मैंने क्या करना है, ये जो मेरे पास जर्नल सीक्वेंस आ रही है एनी टर्म, इसमें मैंने 10 पुट कर देना n की जगह। तो देखिए मैं यहाँ पुट करती हूँ, पुटिंग
एन इज़ इक्वल टू 10। बेशक आप इसको कुछ नेम दे दें, आप इसको नेम दे दें, बेशक 1 कह दें, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ पुटिंग एन इक्वल टू 10 इन 1। सो ए 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 माइनस 1, ए 10 इज इक्वल टू 30 माइनस 1। सो ए 10 मेरे पास क्या आ जाएगा, ए 10 आ जाता है 29। अब इसके हम सेकेंड पार्ट की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो उसमें क्या रिक्वायर्ड था मेरे पास, ए 15 रिक्वायर्ड था। तो हम उसी तरह से करेंगे, पुटिंग एन इज इक्वल टू 15 इन 1। सो ए 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 15 माइनस 1, ए 15 इज इक्वल टू 15 3 इज 45 माइनस 1। सो ए 15 इज इक्वल टू 44। ओके, अब ये हमारा जो है क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th, 5th है, 6th। इन क्वेश्चंस को जो डिफ़िकल्ट वाले हैं वो पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी के मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेती हूँ, ठीक है। और आप फिर उनसे अपने आंसर्स खुद फाइंड आउट करें और उनसे अपने आंसर्स मैच कर लें। ओके ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3rd हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, एन अपॉन एन प्लस 1। यह मैंने आप बच्चों के लिए सॉल्व कर लिया है। इसमें सिर्फ हमने क्या किया करना है, वही एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 मैंने पुट किया, एन 1 पुट किया, एन 2 पुट किया, एन 3 और एन 4। तो ये देखिए यहाँ पर एन की जगह मैंने वैल्यूज पुट की हैं, तो ये मेरी फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं। एंड देन मैंने एन इज इक्वल टू 10 एंड एन इज इक्वल टू 15 पुट किया है फॉर इसकी 10th टर्म के लिए एंड 15 टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए कर लिया है। ये क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं इसलिए मैंने इनको एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं समझा। ये आपके पास अगेन एक जनरल टर्म गिवन है, ठीक है, और इस जनरल टर्म में आपने क्या पुट करना है, 1 by 1 एन की जगह 1, 2, 3 and 4। तो ये आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं, राइट। एंड देन आपने क्या करना है, यहाँ मेंशन कर दें कि हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हैं। देन हम ए 10 टर्म के लिए हमने इसी सीक्वेंस में, ये जो मेरे पास सीक्वेंस जनरल टर्म थी इसमें मैंने क्या पुट किया, 10। तो मेरे पास ए 10 आ गया, और इसी इक्वेशन में मैंने एन इक्वल टू 15 पुट किया तो मेरे पास ए 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5th में भी स्टूडेंट्स हमने ऐसे ही किया है, मेरे पास जनरल टर्म गिवन है, मैंने एन 1, 2, 3, 4 पुट किया, मेरे पास फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आ गई हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ए 10 पुट करने के लिए एन इज इक्वल टू 10 एंड ए 15 के लिए एन इज इक्वल टू 15 इन अबव इक्वेशन पुट की तो मेरे पास ए 10 एंड 15 टर्म भी आ गई है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में भी स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए एन इज इक्वल टू 1 पुट किया है, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 4, और फिर ये सॉल्व किया है। तो यहाँ देखें एन, व्हेन आई पुट एन इक्वल टू 1 तो 1 - 1 यहाँ पर ये देखें 0 मेरे पास आ जाता है। फिर इसी तरह से 2, 3 and 4 पुट करने के लिए फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई हैं। एंड देन स्टूडेंट्स मेरे पास 10 टर्म के लिए उसी क्वेश्चन में मैंने 10 का होल स्क्वायर एंड 10 पुट किया, 10 का होल स्क्वायर 100 - 1/100+1 और यहाँ पर ये आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन में इसी तरह से 15 इक्वेशन कह रही हूँ, नेक्स्ट एन टर्म हमारे पास जो गिवन थी उसमें मैंने एन इक्वल टू 15 पुट किया फॉर 15 टर्म, तो हमारे पास यहाँ पर देखिए 225 - 1 224/226 है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इसको हमने दोबारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ओके, तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 7th में मेरे पास ये है, ए एन इज इक्वल टू -1/2 whole power n-1। उसी तरह से एन इक्वल टू -1, एन इक्वल टू 2, एन इक्वल टू 3 एंड एन इक्वल टू 4 आपने पुट किया। तो यहाँ देखिए -1/2 whole power 1-1, तो एनी नंबर हैविंग पावर 0 आप बच्चों को पता है कि उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। किसी भी आपके पास कोई भी बड़ी से बड़ी वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन आ रहा है, कोई भी बेस, डिफ़िकल्ट बेस आ रही है, कॉम्प्लेक्स बेस है, बहुत आपसे सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन अगर उसकी पावर होल पावर 0 है तो आपके पास आंसर उसका 1 आ जाएगा। इसी तरह से मैंने a2, a3 and a4 फाइंड आउट की है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट फिर मैंने 10 टर्म के लिए मैंने n10 पुट किया, n15 पुट किया तो मेरे पास a10 और a15 आ गई है। देन 8th टर्म में यहाँ पर -1/2 into n² था, वही n 1, 2, 3, 4 पुट की हैं, मेरी फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई।
एंड देन फॉर 10 टर्म मैंने यहाँ पर क्या पुट किया, एन इक्वल टू 10 एंड एन इक्वल टू 15, तो मेरे पास से सोल्यूशन आ गया है, ठीक है। फिर नाइन्थ पे है -1 एंड एन ए टर्म गिवन थी स्टूडेंट्स, मैंने वही एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 पुट किया, मेरे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म आ गई है। देन मैंने 10 टर्म के लिए एन 10 पुट किया और एन 15। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँ, यहाँ पर देखिए आपको याद है कि -1 की पावर जब 1 होगी तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन -1 की पावर जब इवन होगी, -1 की पावर 2, तो आपके पास 1 आंसर आएगा। इसी तरह से मेरे पास -1 की पावर जब 3 थी तो यहाँ पर -1 आया, एंड -1 की पावर 4 थी तो 1 आया है, राइट। यही मैंने a की पावर 10 में किया है। यहाँ देखिए -1 की पावर इवन आ रही है, ये आपके पास क्या है, दिस इज़ आपके पास इवन नंबर है, ओके। तो इवन नंबर को अगर मैं यहाँ पर शो कर दूँ किस तरह से, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 10 मेरे पास क्या है नंबर, इवन नंबर आ रहा है 10। तो देखिए -1 की पावर 10 इवन नंबर है, तो इसका आंसर आपके पास पॉजिटिव आता है। इसी तरह से यहाँ -1 की पावर आपके पास क्या आ रही है, ऑड आ रही है, तो ऑड में हमारे पास वही माइनस साइन ही आता है, ओके। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.1। इसमें हमने इसी तरह से n 1, 2, 3 एंड 4 पुट किया, और यहाँ देखिए मैंने जब वैल्यू पुट की -1 की पावर 2, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब -1 की पावर इवन हो तो प्लस आंसर आता है, यहाँ -1 की पावर 3 आ रहा है तो माइनस, ये टर्म्स तो आप सॉल्व कर सकते हैं, 6 -6, 1। इसी तरह से -1 की पावर 4 आपके पास अगेन इवन है, 1, -1 की पावर ऑड, और हमारे पास ये जो है 10th टर्म, और उसके साथ ही हमारे पास ये 10 टर्म का आंसर है और ये a 15। सो ये बहुत इजी था, ये क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स खुद भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ एक्सप्लेन करने वाली नहीं थी, जस्ट आपने केयरफुल होकर वैल्यूज पुट करनी और एनी टर्म देखनी है क्या है, ओके ओके।